नमस्कार, मैं अंजना सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ विंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ रांची के बिरसा चौक में स्थित है और आपको बता दें, अभी मकर संक्रांति का समय चल रहा है और इसको लेकर के जोरों शोरों से तैयारियाँ पे है। मकर संक्रांति का नाम लेते ही हमें याद आता है तिलकुट, तिल के लड्डू और बादाम के लड्डू। आइए हम यहीं से इन्हीं से पूछते हैं, यहाँ पे एक दुकानदार है जो तिलकुट बेच रही हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार का बाज़ार कैसा है। उतना खास नहीं है, मतलब पहले से अच्छा नहीं है। बहुत देखने को मिला, बहुत कम दुकान लगे, क्या था? दुकान कम इसलिए लगे क्योंकि दुकानदारी पहले जैसा नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब उतना नहीं है। अब ऑनलाइन हो गया, बहुत कुछ का ज़माना हो गया। तो अभी इस बार तिलकुट का रेट क्या चल रहा है? 280 रुपये के जी। चीनी वाला का? दोनों सेम है, बट हम लोग 20 मतलब 260 तक दे देते हैं। अच्छा। और ये लड्डू, तिल के लड्डू जो है, वो 400 रुपये के जी है। अच्छा। तो क्या लगता है कि इसकी बिक्री को लेकर के क्या कहेंगी आप, कैसा बिक्री हो रहा है? बिक्री तो नहीं पता चल रहा, नहीं होगा सही इस बार, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा बाजार मंदा चल रहा है, आइए और कुछ तिलकुट के दुकानदार हैं, हम उनसे ही पूछेंगे कि इस बार का बाज़ार वहाँ कैसा चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर और एक दुकानदार है जो कि तिलकुट का दुकान सजाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कस्टमर भी हैं जो तिलकुट लेने आए हुए हैं। सोंधी सोंधी खुशबू के साथ तिलकुट पूरे वातावरण में फैला हुआ है। आइए हम ये भी भाई साहब से पूछते हैं कि ये तिलकुट लाइव बना रहे हैं क्या आप लोग? लाइव ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। और कब से बनाना स्टार्ट करते हैं? दो अढ़ाई महीने हो गए। कैसा बाजार चल रहा है? बहुत बहुत गंदा, मतलब हर साल से इस साल बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केटिंग। क्या कर रहे हैं? रेट, मार्केट रेट। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि ऑनलाइन बिक्री बढ़ने की वजह से ऑफलाइन डिमांड कम हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिल का रेट और तिल का फसल अच्छा नहीं हुआ, उसके कारण तिल का रेट बढ़ गया, उसी के कारण जो मार्केट में तिलकुट का रेट बढ़ गया और कस्टमर्स को चाहिए पिछले साल का ही रेट में। अच्छा, तो मतलब और क्या दे आपका कहना है कि सस्ता चूड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब अभी दुकान इनके दुकान पे कस्टमर आए हुए हैं, उसको बेचने में बिजी है। यहाँ पे हम चलिए कस्टमर पूछते हैं कि ये कैसे दे रहे हैं, बादाम का कैसे दे रहे हैं? ये बादाम का चिक्की है और ये 50 रुपये पैकेट मिल रहा है। और चलिए हम तिलकुट का भी रेट पूछ लेते हैं इनसे भी, ये गुड़ वाली तिलकुट का क्या रेट है? 280 रुपये के जी। और चीनी वाली? वही रेट चल रहा है। चलिए अंदर कुछ ये लोग लाइव बना रहे हैं, चलिए आपको हम वहाँ भी ले चलते हैं, दिखाते हैं कि आखिर तिलकुट का प्रोसेस क्या चल रहा है। ऑनलाइन तो ख़रीदारी होती ही रहती है, ऑफलाइन दुकानदारों की थोड़ी समस्या चल रही है कि यहाँ बिक्री कम हो रही है, फसल ठीक से ना होने के कारण थोड़ा सा बाज़ार मंदा है, रेट थोड़ा ज़्यादा हाई यहाँ के पब्लिक को लग रहा है। आइए देखते हैं, दिखाइए ये क्या बना रहे हैं भैया? तिलकुट बना रहे हैं। तिलकुट बना रहे हैं और ये इसमें क्या डाल रहे हैं? ये गट्टा है, गुड़ का। गुड़ का गट्टा, और क्या क्या डालते हैं? बस ये तिल है, गट्टा है, कुटाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत से यहाँ शुद्ध तिलकुट बनाया जा रहा है और इसी आस में कि कम से कम इनकी बिक्री इस बार तो अच्छी हो। हालांकि ये पूरा बिरसा चौक का एरिया तिल के खुशबू से सुगंधित हो चुका है और अभी तो खैर दोपहर का समय है, शाम को शायद और भी कस्टमर आए और धीरे धीरे जैसे मकर संक्रांति का दिन सामने आएगा और कस्टमर बढ़ेंगे। और हम यही आपको बताएंगे कि तिलकुट खाइए, ठंड की मौसम है, सेहतमंद रहने के लिए गुड़ और तिल दोनों ही फायदेमंद है। आइए बाज़ार कीजिए और अपने मकर संक्रांति खिचड़ी का त्यौहार खुशी खुशी मनाइए। इसी के साथ सहयोगी चंदन के साथ अंजना सिंह, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य
आपके शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल।